नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ये वीडियो ये वाली थी, ठीक है। इस पर 32,000 व्यूज़ आए थे। 3 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, 16 मिनट की वीडियो है। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वाली वीडियो थी, घर बैठे 40 करोड़ की कंपनी के हिस्सेदार बनिए फ्री में, आओ तो सही दुनिया हिला देंगे। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी थी। 50,000 से 1 लाख रुपये महीना आप यहाँ से कमा सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी जिसका नाम था VT Feed। अब ये VT Feed वाली वेबसाइट कौन सी थी, इसमें कुछ लोगों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की हुई थी जो महीने साल का 40 करोड़ रुपए कमाने लगी थी, लेकिन अचानक से उसे बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? उसे फेसबुक ने बंद कर दिया। वो कैसी कंपनी थी मैं आपको दिखाता हूं। आज उसका इस वीडियो से क्या लेना देना है और आप घर बैठे कैसे पैसा कमाओगे, कैसे ये सारी चीजें होंगी, वो सारी चीजें आपको हम बताएंगे। वो एक कंपनी थी जो ब्लॉगिंग करती थी, जो वायरल न्यूज लिखती थी, वायरल कंटेंट लिखती थी। उसी को देखकर हमने एक और नई और अपडेटेड चीज बनाई है, ठीक है। इस वेबसाइट का नाम है द वायरल कंटेंट, ठीक है। इस वेबसाइट का नाम है द वायरल कंटेंट, tvcfeed.com के नाम से ये वेबसाइट। TVC फीड आप अपने यहाँ पे देख रहे होंगे, TVC फीड, ठीक। तो ये जो वेबसाइट है हमने बिल्कुल उसी की तरह की बनाई है, लेकिन काम क्या किया है, वहां पे वो लोग खुद कंटेंट लिखते थे और खुद ही सारा पैसा कमाते थे। यहाँ पे हमने ये कर दिया है कि यहाँ पे पब्लिकली आकर कोई भी कंटेंट लिख सकता है और पैसे कमा सकता है। यानी कि वो जो 40 करोड़ वाली कंपनी थी, जो 40 करोड़ रुपए सालाना कमाती थी, उतनी कमाई हम और आप लोग भी कर सकते हैं, वो भी बिना कोई खर्चा दिए। हमारा तो जो खर्चा लगता है लगता ही है। आपको इसमें से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप इसे फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में ज्वाइन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं क्या कुछ होता है। यहां जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे, आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट पोस्ट। आप इस पर जब क्लिक करेंगे, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको यहां पे साइन अप और लॉगिन दो ऑप्शन मिलेंगे। उसमें साइन अप कैसे करना है मैं बता देता हूं। आपको आपकी मेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और नाम चाहिए। सिर्फ इतना सा काम करना है, आपका यहां पे अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। पासवर्ड आप अपनी मर्जी से जो भी दे सकते हैं। उसके बाद यहां पर आके आप कंटेंट लिख सकते हैं। अभी मैंने ये चीज जुलाई में आपको, जुलाई के आसपास मैंने ये चीज बताई थी, 15-16 जुलाई को मैंने ये चीज बताई थी और जाकर ये चीज 25 जुलाई को शुरू हो गई थी। 25 जुलाई को ये वेबसाइट शुरू हो गई थी। अब 25 जुलाई को शुरू हुई, अगस्त में जाके ये वेबसाइट अप्रूव हो गई थी गूगल एडसेंस से, यानी कि इस पर कमाई शुरू हो गई थी। सितंबर महीने में इस वेबसाइट ने कमाई देनी शुरू कर दी थी, ठीक है जी। सितंबर की कमाई जा चुकी है, जो कि वेबसाइट पे अपलोड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको वापस जाके दिखाऊंगा। यहाँ पे अभी कमाई बहुत कम शुरू हुई है क्योंकि नई वेबसाइट है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। आज आपको कुछ ऐसे भी टिप्स मैं दूंगा जिसमें आप जाके देख सकते हैं। ये पेमेंट प्रूफ का यहाँ पे है, पेमेंट प्रूफ, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर हर महीने यहाँ पे जो भी पेमेंट जाएगी, जिसे भी जाएगी, वो सारी चीजें यहाँ पे अपडेट होती रहेंगी। इस महीने की पेमेंट भी आपको, आज 31 अक्टूबर है, ठीक है, अक्टूबर की जो पेमेंट है वो आपको 10 तारीख से पहले पहले अपडेट हो जाएगी। हर महीने 1 से लेकर 10 तक के बीच में आपकी पेमेंट अपडेट होती है और वो अपडेट होती रहेगी। जिसकी भी पेमेंट बनेगी, मिनिमम पेमेंट हम आपको बता दें कि 5,000 व्यूज पे $1 बनते ही ये आपको पेमेंट देनी शुरू हो जाती है, पेमेंट आपकी आनी शुरू हो जाती है। ना आपको डोमेन लेना है, ना आपको होस्टिंग लेनी है, ना आपको वेबसाइट बनवानी है और ना ही किसी एक निश के चक्कर में पड़ना है। यहां पे 17 अलग अलग निश हैं, 17 अलग अलग निश हैं, 17 इवन 18, ठीक है, 18 अलग अलग निश हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं जिन पे आप जाके लिख सकते हैं। आप किसी एक पे लिखना चाहते हैं, किसी एक पे लिख सकते हैं, दो पे लिखना चाहते हैं, दो पे लिख सकते हैं। आपका आज किसी और टॉपिक पे लिखने का मन है, आज किसी और टॉपिक पे लिख सकते हैं, कल किसी और टॉपिक पे लिख सकते हैं, ठीक है। 18 यहां पे है और भी धीरे धीरे जुड़ती चली जाएंगी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है, नेटफ्लिक्स का है। तो अब पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आपकी लाइफ टाइम अर्निंग कैसे हो सकती है इसमें।
लाइफ टाइम अर्निंग के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें आप लिखकर, अच्छे तरीके से लिखकर, आप इसमें चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, मैंने कहा हेल्प ले सकते हैं, पूरा कंटेंट वहां से आपको कॉपी नहीं करना, आप वहां से लिखिएगा, देख लीजिए वहां से कैसे लिखते हैं उसे, या तो आप अपनी लैंग्वेज में चेंज कीजिए या फिर खुद ही लिखिएगा, या फिर खुद ही लिखिएगा, क्योंकि चैट जीपीटी से आप जो कंटेंट लिखते हैं उन्हें गूगल पकड़ लेता है और उसे रैंक नहीं कराता, गूगल पकड़ लेता है उसे रैंक नहीं कराता, तो चैट जीपीटी से आपका लिखना या ना लिखना उसका एक बराबर है। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप चैट जीपीटी से लिखते हैं या किसी भी एआई टूल से लिखते हैं तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, अपलोड हो भी गया कंटेंट तो उसमें ना तो व्यूज आने ना ही पैसा आना, तो खुद लिखिएगा, अच्छा लिखिएगा। अब कई सारे टॉपिक हैं, आप नोट कीजिएगा कि किन किन टॉपिक पे लिख के आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले पे आता है आपका यहाँ पे नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स को देख के कैसे आप लिख सकते हैं, व्हाट्स ऑन नेटफ्लिक्स करके एक वेबसाइट है, व्हाट्स ऑन नेटफ्लिक्स, ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। यहां ये वेबसाइट पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर बनी हुई है, पूरी की पूरी वेबसाइट नेटफ्लिक्स के ऊपर बनी हुई है, तो यहां पे जो जो भी चीजें अपडेट होती हैं उन्हें आप अपने भाषा में अपने हिसाब से लिखकर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे और अच्छे तरीके से लिखना है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश कोई भी हो सकती है। चलिए पहली चीज तो है ये, दूसरा देखिए नेटफ्लिक्स आपका हमेशा आपको पैसा देते रहेगा, कोट्स एंड स्टोरी इन पर बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं आते हैं लेकिन ये आपकी लाइफ टाइम पढ़ने वाली चीज होती है, ठीक है जी। उसके बाद आप जैसे फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो है, इसमें स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आप बता सकते हैं, हाँ किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बताएंगे तो वो एक बार सर्च होगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड्स इसमें बता सकते हैं, आप लोन के बारे में बता सकते हैं क्योंकि फाइनेंस भी यहाँ पे टॉपिक है, लोन के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हैं, होम लोन कहाँ से लें, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं और ये हमेशा सर्च होने वाली। तीन चीजें हो गई अभी तक, तीन चीजें हो गई, पहला नेटफ्लिक्स था, दूसरी कोर्ट्स एंड स्टोरी थी, तीसरा फाइनेंस था। अच्छा अब हम चलते हैं यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग एंड बिजनेस, ये फोर्थ टॉपिक है आपका जो हमेशा सर्च होता है और ट्रेंडिंग में सर्च होता है। पांचवें नंबर पर आती है गवर्नमेंट स्कीम, आपकी हजारों गवर्नमेंट स्कीम हैं, उन्हें अगर आप सभी को यहाँ पे लिख देते हैं, कहीं से कॉपी मत कीजिएगा, ध्यान दीजिए कहीं से भी कॉपी मत कीजिएगा, आप उन्हें लिखिए अपने भाषा में लिखिए, दो दिन में आपकी एक पोस्ट लिखी जाती है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि आपको एक दिन में 10 पोस्ट करनी है, आप अच्छे से अगर आपने दो दिन के अंदर, एक दिन के अंदर एक पोस्ट लिखी है तो आप ये समझिएगा कि आपकी वो पोस्ट अगर रैंक हो जाती है तो वो अकेली पोस्ट आपको हर महीने हजारों रुपए आराम से दे सकती है, हर महीने एक ही पोस्ट, लेकिन पोस्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि उस पोस्ट को अगर कोई उस पोस्ट पे आता है तो उस पोस्ट को देखने के बाद किसी और पोस्ट को देखने की जरूरत ना पड़े, मतलब कंप्लीट जानकारी हो, टू द पॉइंट बात हो, ठीक है। वास्तु एंड डिवोशनल आपका हमेशा चलता है, ठीक है। हेल्थ एंड फिटनेस आपकी हमेशा चलती है। अब कितने हो गए टॉपिक यहां पे, नेटफ्लिक्स, ठीक है, नेटफ्लिक्स हो गया एक, कोर्ट्स एंड स्टोरी दो, फाइनेंस में अगर आप लोन वगैरह के बारे में बताते हैं तीन, यहां पे चौथे नंबर पर ऑनलाइन अर्निंग, पांचवें पे गवर्नमेंट स्कीम, छठे पे वास्तु एंड डिवोशनल, ठीक है, ये छह हो गए हैं। सातवें पे हेल्थ एंड फिटनेस, कौन सी चीज से क्या कर सकते हैं, बेली फैट कैसे घटा सकते हैं, वेट लूज कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर जरूर देना होगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैंने ये सारी जानकारी इंटरनेट और बुक से उठाई है, तो आप इसे चीज को आजमाने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, हिंदी हो या इंग्लिश, इसे आप इस हिसाब से लिख सकते हैं। सात चीज हो गई। आठवें नंबर पर आ गया है आपका ट्रेंडिंग जॉब्स एंड ये कोई मतलब रोज सर्च होने वाला नहीं है, मोटिवेशनल कोट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल कोट्स लिख सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में आप लिख सकते हैं, लेकिन ये रोज का सर्च होने वाला टॉपिक नहीं है। तो कुल मिला के सात टॉपिक आपके ऐसे मिल जाते हैं यहाँ पे, नेटफ्लिक्स है, कोट्स है, ट्रेंडिंग का छोड़ दीजिए, फाइनेंस स्टॉक है तीसरे नंबर का हो गया, चौथे नंबर पर ऑनलाइन अर्निंग, गवर्नमेंट स्कीम, वास्तु डिवोशनल छठे नंबर पर, और सातवें नंबर पर है हेल्थ एंड फिटनेस।
बाकी सभी आपके ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे। हाँ, कल मुझे एक भाई का मैसेज आया, मैंने उन्हें कहा जी ट्रेंडिंग पे लिखना शुरू कीजिए, तो उन्होंने कहा कि जी वर्ल्ड कप तो ट्रेंडिंग पे है लेकिन उसकी पोस्ट रैंक नहीं हो रही। अब देखिए वर्ल्ड कप ट्रेंडिंग में है, मैंने उन्हें भी यही जवाब दिया था, वर्ल्ड कप ट्रेंडिंग में है बेशक, लेकिन वर्ल्ड कप को सभी हॉटस्टार में फ्री पे और लाइव देख लेते हैं, फ्री में और लाइव देख लेते हैं हॉटस्टार पे। तो जब किसी ने, अगर मैक्सिमम लोग आप वहां पे जब मैच देखते हैं तो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ लोग वहां पे देखते हुए होते हैं। अब 3 करोड़ लोगों ने जो मैच के शौकीन हैं वहां पर देख लिया है लाइव सब कुछ, तो वो फिर न्यूज क्यों पढ़ेगा, वो न्यूज क्यों पढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रेंडिंग, ये भी सोचिएगा कि उसमें न्यूज पढ़ने की जरूरत क्या है, अगर लाइव किसी ने देख ही लिया है तो न्यूज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इस वजह से वर्ल्ड कप की बहुत ज्यादा चीजें ट्रेंडिंग में नहीं आ पा रही। चलिए अब यहां पे मैं आपको ये बता देता हूं कि लिखते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहां पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी कैटेगरी यहां से लेनी है। ठीक है, यहां से आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कोई भी। टाइटल, टाइटल में आपको 2-3 वर्ड तो वो देने हैं जो आपके बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं सबसे पहले उसका नाम। मान लिया आप नेटफ्लिक्स पे लिखते हैं तो सबसे पहला जो वर्ड होगा वो नेटफ्लिक्स होगा, उसके बाद आप बता सकते हैं कि मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, फला सीरियल ऑन नेटफ्लिक्स, इस तरह से। ठीक है, यहां पे आप 3 इमेज, टाइटल बहुत ही शानदार आपको देना है, 3 इमेज आप चुन सकते हैं। एक पोस्ट के अंदर आप 3 इमेज डाल सकते हैं, पहली आपकी पोस्ट शुरू होने से पहले आएगी, दूसरी बीच में आएगी और तीसरी सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, तो ये 3 इमेज आप डाल सकते हैं। इमेज कोई भी कॉपीराइटेड इमेज मत डालिए जिसपे लिखा हो NDTV फलाना ढिपकाना, ये सारी चीजें उसपे, मतलब कोई भी लोगो नहीं होना चाहिए किसी का भी, और किसी भी वेबसाइट वगैरह का नाम उस पर नहीं लिखा होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे हाइलाइट्स में। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग पूरा का पूरा कंटेंट ही यहां पर लिख दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बिल्कुल खाली पड़ा है। तो यहां पे हाइलाइट्स में आप मैक्सिमम 3 से 4 लाइन लिखिए, 5 लाइन लिखिए। उसमें आपको एज ए हेडिंग बताना है कि जैसे मान लिया मैं नेटफ्लिक्स का ही एग्जांपल ले लेता हूं, सबसे पहला जो होगा यहाँ पे नेटफ्लिक्स होगा वर्ड, दूसरे नंबर पर बुलेट पॉइंट्स लगाकर मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स, तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं कि इसमें आपने कौन सी स्टोरी बताई है, क्या कुछ बताया है, चौथे नंबर पर आप बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो मूवी है उसमें क्या क्या कास्ट है, पांचवें नंबर पर आप अपने हिसाब से कुछ भी ट्रेंडिंग वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि आप नेटफ्लिक्स के बारे में लिख रहे हैं और एक तरफ लिखते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप या हेल्थ टॉपिक्स। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे 4 से 5 लाइन लिखनी है, समझ गए आप। अब यहां पे आ जाता है कीवर्ड। कुछ लोगों को कीवर्ड और हैशटैग में अंतर नहीं पता है। कीवर्ड क्या होता है, आपने लिखा नेटफ्लिक्स और मूवी, ये 2-3 चीज, मान लिया आप किसी मूवी के बारे में बता रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे बता रहे हैं, तो पहला कीवर्ड आपका हुआ नेटफ्लिक्स, पहला कीवर्ड आपका नेटफ्लिक्स हुआ। ठीक है, आप मैक्सिमम 2 कीवर्ड दें, मैक्सिमम 2 कीवर्ड्स आपको देने हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ताकि पता लगे कि आपने किस टॉपिक पे लिखा है। पहला कीवर्ड्स आपका नेटफ्लिक्स, दूसरा कीवर्ड्स आपका मूवी के बारे में बता रहे हैं तो मूवी, सीरियल के बारे में बता रहे हैं सीरियल, या फिर अपकमिंग या ट्रेंडिंग। ठीक है, ये चीज आपको कीवर्ड्स में लिखनी है। अब यहां पे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप नेटफ्लिक्स लिखना शुरू कीजिए, पहला जो आपका वर्ड होगा वो होगा नेटफ्लिक्स, सेकंड में आप लिखना शुरू कीजिए कि पर्टिकुलर मूवी है, एक किसी भी मूवी का नाम जो भी आप बता रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आ रही है, ये कितने स्टार है, ये कितने पैसे में बनी है, इसकी स्टोरी क्या है, उस स्टोरी में आप 5-6-7-8-10 लाइन लिख सकते हैं, उसके बारे में कास्ट कौन कौन से है, क्या बजट है मूवी का, किस तरह से ये मूवी बनाई गई है, किस थीम पे बेस्ड है, ये सारी चीजें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, मूवी का कंक्लूजन क्या निकलता है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब टैग्स में आ जाइए। टैग्स में मान लिया हम नेटफ्लिक्स लिखते हैं, यहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो ये देखिए वर्ड्स ऑन नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स मूवी, नेटफ्लिक्स ट्रेंडिंग, नेटफ्लिक्स लॉगिन, और बहुत सारी चीजें ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, मान लिया मैं नेटफ्लिक्स के बारे में ही लिखता हूँ तो ये नेटफ्लिक्स के यहाँ पे आपके टैग्स बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर गवर्नमेंट स्कीम का करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम, मोदी स्कीम, स्कीम और ट्रेंडिंग स्कीम, स्कीम फॉर लोन, स्कीम फॉर हाउस, इस तरह से आप जिस भी बारे में लिख रखें उस पर्टिकुलर स्कीम का नाम यहाँ पे लिखें,
अगर आप कीवर्ड्स में स्कीम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो जिस भी स्कीम का यहाँ पे पहला है गवर्नमेंट स्कीम और दूसरा उस स्कीम का नाम, कीवर्ड्स में बस इतना ही देना होता है आपको। तो अब यहाँ पे आ जाती है पेमेंट की बात। ये यहाँ तक आप कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, आपका ये कंटेंट चेक होगा, कंटेंट आपका तो आपको पैसा डेफिनेटली मिलेगा अगर आपका कंटेंट चलता है, ठीक है। इस कंटेंट को आप लिखिएगा, लिखने के बाद आपको जैसे ही आपका कंटेंट पब्लिश हो जाता है, कंटेंट डेली पब्लिश होता है, चेक होने के बाद डेली पब्लिश होता है, सुबह भी और शाम को भी, ठीक है। तो कंटेंट जैसे ही पब्लिश हो जाता है आप उसे व्हाट्सएप पे भेजिएगा लोगों को, आप उसे व्हाट्सएप छोड़िए, आप उसे फेसबुक पे, आपका अकाउंट होगा फेसबुक पे कीजिएगा, पिंटरेस्ट पे कीजिएगा, पिंटरेस्ट पे आपके बहुत सारे वहां पे बोर्ड्स वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, पिंटरेस्ट पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, एक आपका यहाँ पे कई सारी चीज है, एक कू करके ऐप है, कू ऐप, ठीक है, कू ऐप है, और बहुत सारी ऐसी ऐप है सोशल मीडिया। तो ये काम आपको करना ही होगा, ये काम आपको करना ही होगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए पिछले महीने इस वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आया था वो करीब करीब 52,000 का ट्रैफिक था, 52,000। इस बार का जो ट्रैफिक है वो 62,000 है, 62,000 का। हर महीने ट्रैफिक बढ़ रहा है। अब कहेंगे इसमें कि ट्रैफिक तो बढ़ रहा है लेकिन हमारी पोस्ट तो आती नहीं। देखिए जब ट्रैफिक बढ़ेगा, मान लिया कोई ट्रेंडिंग यहाँ पे चल जाती है, किसी ने ये पोस्ट यहाँ पे ओपन की, एक पोस्ट पर्टिकुलर यहाँ पे अगर किसी ने कोई पोस्ट ओपन कर ली है, उस पोस्ट को जब ओपन करते हैं, मैं आपको यहाँ पे ये पोस्ट ही ओपन करके दिखा देता हूँ, इनकॉग्निशन में चलता हूँ मैं, उसके बाद आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा, मान लिया ये पोस्ट है यहाँ पे, और यार मैं इसे खोलना नहीं चाहता एक्चुअली, क्योंकि मेरा एडसेंस भी इसी पीसी से चलता है, इसी वेबसाइट से, और अगर मैं इसे यहाँ पे खोलूँ तो दिक्कत आ जाएगी, तो मैं इसे यहाँ पे खोलना नहीं चाहता। आप जब यहाँ पे इसे खोलेंगे, यहाँ पे जब मान लिया आप कोई पोस्ट खोलते हैं तो साइड में आप लोगों की पोस्ट भी शो होती है, साइड में ये सारी कैटेगरी शो होती हैं, नीचे लेटेस्ट 3-4 पोस्ट शो होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बंदे की पोस्ट चल रही है तो आपकी पोस्ट पे क्लिक नहीं हो सकता, पर्टिकुलर बंदे की किसी की पोस्ट चल रही है तो आपकी पोस्ट पे भी क्लिक होने के चांसेस बन जाते हैं, आपकी पोस्ट पे भी क्लिक होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए आप टाइटल और जो इमेज डालते हैं, देखिए जैसे ये रेलवे, द रेलवे मैन, ये नेटफ्लिक्स की है, ठीक है, ये नेटफ्लिक्स का ही लिखा है किसी ने, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें आप लिखिएगा, LIC इनोवेटिव स्कीम ट्रांसफॉर्म, तो कुछ ऐसी चीजें आप लिखिए, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है इन इंडिया मिनी इसराइल इंट्रोड्यूसिंग पेरेंट GPT योर चैट कंपेनियन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं जब किसी का यहाँ पे चलता है। तो एक चीज और देखिएगा, अगर आपकी वेबसाइट पे एक महीने में मिलियन से ज्यादा व्यूज आते हैं तो गूगल भी उसे खुद प्रमोट करने लगता है। अभी हम 60,000 पे पहुंचे हैं, अगले महीने टारगेट हमारा 80,000 का है, हर महीने हम 10-10, 20-20,000 व्यूज बढ़ेंगे, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी और लोगों का यहाँ पे फेथ भी बढ़ेगा। जैसे जैसे वेबसाइट रैंकिंग में आनी शुरू होगी तो आप ये समझिएगा कि आपको यहां से 50,000 की भी कमाई होगी, 1,00,000 की भी कमाई होगी, टॉपिक बसरते कि आप ऐसा लिखिए कि उसे एक बार जो कोई उस पे आए तो वो पूरा पढ़े हुए वापस ना जाए। आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा आपकी कमाई उतनी अच्छी होगी, कंटेंट आपका जितना अच्छा होगा कमाई आपकी उतनी अच्छी होगी। आप 4G 5G के बारे में लिख सकते हैं, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में डेली 2-4 मोबाइल लॉन्च होते हैं, उन मोबाइल्स के बारे में लिख सकते हैं, अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा। ऑफर्स बता सकते हैं कि अमेजन पे क्या ऑफर चल रहे हैं, एक ही पोस्ट में 5-7-10 ऑफर आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑफर आप दे सकते हैं कि ये चीज़ें हैं। ध्यान रखिए अपना एफिलिएट लिंक उसमें मत डालिएगा, एफिलिएट लिंक को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो एफिलिएट लिंक उसमें मत डालिए, वो आपका यहाँ पे पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद हम ये करते हैं कि आने वाले 1-2 साल में ये कंपनी भी, ये वेबसाइट भी साल के 40 करोड़ कमाएगी और उसमें टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आपको होगा, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से हमने बताया था टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वो आपको होगा। अभी क्या हो रहा है, हम $5,000 पे या $2,000 पे जो दे रहे हैं, माफ कीजिए 5,000 व्यूज की बात कर रहा हूँ, 5,000 व्यूज पे हम जो दे रहे हैं एक्चुअली उतना ही आ रहा है। आपको सारी पेमेंट भी ग्रुप में अपडेट होगी और सारी चीजें भी ग्रुप में अपडेट होंगी। ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप लिंक दोनों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर भी।
तो आपको अभी क्या हो रहा है, मान लिया किसी के 300 400 व्यूज हुए हैं, उस पर कुछ रुपए बनते हैं, 2 4 10 रुपए जो भी बनते हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आपका वो सारा पैसा भी उन लोगों को दे दिया जाता है जिनका 5000 व्यूज से ज्यादा है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा आप कि आपके 5000 व्यूज से ज्यादा हो, आपके 5000 व्यूज से ज्यादा हो, तो 5000 व्यूज से ज्यादा होते ही आप यहां पे पेमेंट एलिजिबल हो जाते हैं। एक महीने में आपका 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक के बीच में आपके 5000 व्यूज होने चाहिए, पेमेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। 10 तारीख तक पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। आपके अकाउंट में किस तरह होगी वो वेबसाइट में सारा का सारा, वहां पे जब आप लॉग इन करेंगे तो डैशबोर्ड खुल जाता है, अकाउंट नंबर अपडेट करने का ऑप्शन है वहां पे। ठीक है, तो कुल मिला के अभी सारी पेमेंट आपको ही दी जा रही है। ये पेमेंट तब तक सारी आपको दी जाएगी जब तक कि ये वेबसाइट लाखों की कमाई में ना चल जाए, उसके बाद कंपनी अपना हिस्सा काटेगी, वो आपको पहले ही बताया हुआ है। आपको मैं ये चीज बता दूं कि जब एक वेबसाइट अच्छी चल जाती है तो आप नॉर्मल वेबसाइट से कहीं ज्यादा उससे पैसे कमाते हैं, और मुझे उम्मीद ऐसी है कि ये वेबसाइट कमाएगी। अभी इस पर 400 लोगों ने इस पर यहाँ पे अकाउंट बना लिया है, और यहाँ पे कुल मिला के अभी इस महीने के जो हाईएस्ट व्यूज आए हैं पर्टिकुलर, 2 लोगों के हैं जिनके 16000 से ज्यादा व्यूज हैं, 2 लोगों के, उसमें एक हैं मोहम्मद मुख्तार हुसैन और दूसरे हैं देवराज गोरई। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, मुख्तार हुसैन और देवराज गोरई, ये 2 लोग ऐसे हैं जिनके 16000 से ज्यादा व्यूज हैं इस बार। ठीक है, अब अगर हर एक बंदा ऐसे ही कोशिश करे, ऐसे ही कोशिश करे, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन कैलकुलेटर पे आपको दिखाना चाहूंगा कि कितने व्यूज इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, ऑनलाइन कैलकुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे 16000 से ज्यादा व्यूज हैं, पर मैं 16000 ही ले लेता हूँ यहाँ पे, और इनटू 400, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इतने व्यूज हो जाते हैं, कितने हैं ये, 64 लाख, 6.4 मिलियन। अगर हर एक बंदा मेहनत करे, देखिए ये वही बात है कि एक ही क्लास होती है, पढ़ाने वाला एक ही टीचर होता है, इन्वायरमेंट एक ही होता है, लेकिन उसी क्लास में से बच्चों के 90% भी मार्क्स आते हैं और उसी क्लास में से लोग फेल भी होते हैं। डिपेंड करता है कि आपको अपने आप पे कितना भरोसा है, आप खुद कितनी मेहनत करते हैं, खुद कितना एफर्ट लगाते हैं, डिपेंड करता है उस चीज पे। तो मेहनत कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, कंटेंट पे बहुत ध्यान दीजिए, ऐसा कंटेंट लिखो कि लोग पढ़ते रह जाएं, ऐसा कंटेंट लिखो। कमाई की गारंटी हम देते हैं कि हाँ कमाई होगी, और ऐसी कमाई होगी कि आपने लाइफ में नहीं सोची होगी कि पार्ट टाइम भी आप ऐसी कमाई कर सकते हैं। आपको रोज लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्स टाइम पे लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपको टाइम लगे तब लिखिए, जब आपके जिस दिन आपको हफ्ते में 2 दिन टाइम लगता है आप उस टाइम पे लिखिएगा। कोई इसमें रोक टोक या किसी भी तरह की कोई यहाँ पे ऐसी चीज नहीं है कि आपको कोई भी बाउंडेशन यहाँ पे लगाई गई हो, किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो आप कंटेंट अच्छा लिखिएगा, और कंटेंट किस तरह से लिखते हैं वो भी मैंने बता दिया है, पैसे कैसे आएंगे वो भी बता दिया है, 5000 व्यूज पे पैसा आना शुरू हो जाता है वो भी मैंने बता दिया है, सारी चीजें आपको बता दी है, बस आपको काम शुरू करने की देर है। जितना जिस तरह से आप काम शुरू करोगे इतना ही पैसा आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां से आप एक तरह से और कमाई कर सकते हैं। देखिए जैसे ये वेबसाइट है, इस पे ये ऊपर 2 ऐड चल रहे हैं, अगर आपको किसी कंपनी का किसी का ऐड कराना है तो यहाँ पे ये वेबसाइट 5000 लेती है, ये वेबसाइट 5000 लेती है 1 महीने की ऐड के लिए। तो अगर आप किसी की ऐड कराना चाहते हैं तो उनकी ऐड भी यहां पे लग सकती है। इसमें क्या होगा कि अगर आपने किसी से 5000 लिया है तो 2500 रुपये आपका, 2500 रुपये वेबसाइट का, 2500 रुपये आपका, 2500 रुपये वेबसाइट का। आप चाहे जितनी मर्जी ऐड यहां पे लगवा सकते हैं, 1 महीने का फिलहाल 5000 रुपये का रेट है। यही वो वेबसाइट होगी, आप याद रखिएगा मेरा आज का कहा कि ये वेबसाइट 1 महीने का 1 लाख रुपये भी लेगी और उसमें से 50% हिस्सा आपका भी रहेगा। ध्यान रखिएगा, जितना इस पे व्यूज आते रहेंगे उसी हिसाब से वेबसाइट पॉपुलर होती रहेगी और आपको 50% हिस्सा उसमें से भी दिया जाएगा जो आप ऐड लेके आओगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा,
आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसका, और आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा पैसे भी कमाओगे, ये भी मैं आपको यहाँ पे श्योरिटी दे सकता हूं, बशर्ते कि आप कंटेंट अच्छा लिखिए, मेहनत से लिखिए और ये सोच के लिखें कि मैं अपना काम कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, तब जाके आपका पैसा बनेगा। आप सोचोगे किसी की वेबसाइट है मैं क्यों लिखूं, यूट्यूब पे भी तो लोग ऐसे ही करते हैं, जो यूट्यूब पे लोग वीडियो बनाते हैं, यहां पे ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म दे दिया गया है आपको, यहां पे आप ब्लॉग बना सकते हैं, ठीक है, यहां पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, बहुत सारे लोग एक जगह आके ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ये समझिएगा आप कि किस तरह से आपको यूट्यूब से भी पहले पहला ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पे आप ये काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आज ही शुरू कीजिए, बिल्कुल फ्री में लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं है, कंटेंट लिखना शुरू कीजिए, पैसा आएगा, ये श्योरिटी है। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।